आप हमारे व्यूज को बताएं कि ये औरत क्या चीज है. सो इट्स अ फुल ह्यूमन बीइंग. सो अ वुमन इज समबडी हु इज अ फुल ह्यूमन बीइंग. खवातीन को उनके हकूक जो हैं वो नहीं मिलते, उनके हकूक जो हैं उनको पेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लेने पड़ते हैं. उसमें जैसे करंटली जो है सोशल प्लेटफॉर्म को लिया गया. औरत जो है वो एक मुकम्मल शख्स है. सो आई थिंक यू हैव अ स्टेटस वर्किंग वुमन. तो आपकी राय क्या है कि वर्किंग वुमन की जो डिफरेंशिएट करती हैं आप नॉन वर्किंग वुमन के साथ, वो कितना मेजर फर्क आता है बीच में? अगर आप उनकी किताब अगर आपने पढ़ी हुई है दी डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें उन्होंने इस चीज का कन्फेशन किया हुआ है कि एज अ फीमेल पॉलिटिशियन उनको कितनी डिफिकल्टी हुई थी, एज अ वर्किंग वुमन उनको कितनी मुश्किलात का सामना था अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए. जैसे कि आपने जिक्र किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ भी हैं और इस तरह और भी दो तीन हमारे पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं. उनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं खवातीन. टू द एक्सटेंट कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म को लेकर कुछ ऐसी मूवीज भी आई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें आपका आंसू चाहिए, आप कितने आंसू निकाल सकती हैं. ये मूवी भी हमारी कंट्री में बनी, जिसका मतलब ये हुआ कि औरत को एसोसिएट किया जाता है एक क्राइंग बीइंग के साथ. इसके अलावा जो है वो इमोशनल अब्यूज भी इसमें आ जाता है, यानी दूसरे इंसान को जो है वो आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसे ये कह रहे हैं तुम्हें क्या पता होगा, तुम झुक करके बैठो, ये भी उसमें आ जाता है. इसके अलावा आप सेक्सुअल अब्यूज भी इसमें लेकर आ सकते हैं. सो ये सारी कैटेगरीज जो हमने आइडेंटिफाई. ऐसा कोई लॉ मौजूद है पाकिस्तान में जो वुमन को प्रोटेक्ट करता है? कोई ऐसा लॉ की स्टैच्यू मौजूद हो जिसमें औरत जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकती हो, वो लीगल फोरम पे आ सकती हो और कोर्ट में आके जो है अपना स्टैंड प्रूफ कर सकती हो? उसको प्रूफ करने के लिए ऐसे कोई लॉ पीछे अवेलेबल है, स्टैच्यू अवेलेबल है, प्रोविजंस अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जी बिल्कुल हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो लॉज मौजूद हैं. एंड पर्टिकुलरली अगर आपके साथ कोई वायलेंस का केस हो गया तो आपके पास 2016 का जो है वो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपके पास मौजूद है 2016 का. उसकी प्रोविजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 4 अगर आप देखें तो सेक्शन 4 आपको बताता है कि विक्टिम जो है वो अपना केस जो है खुद फाइल कर सकता है या किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि वो उनके बिहाफ के ऊपर जो है केस फाइल करें. देखिए सेक्शन 4 जो है वो रहनुमाई लोगों को देता है कि आप क्या प्रोसेस जो है वो अपना सकते हैं. सो विक्टिम के पास ये राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करे, FIR रजिस्टर कराए अगर उनकी खुद की हालत जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है, फिजिकल अब्यूज ज़्यादा है, तो उनके बिहाफ पे भी वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो ये चीज़ करें. फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जो है वो कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोर्ट ने अपनी फर्स्ट हियरिंग रखनी है विद इन 7 days, जिसका मतलब ये हुआ कि जो डिफेंडेंट है उसके पास राइट है कि वो अपना डिफेंस जो है वो प्रिपेयर करे विद इन 7 days. उसके बाद सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ये आगे से कहता है कि आपने जो आपके पास केस लगा हुआ है उसको सेटल करना है विद इन 90 days. इसका मेन मकसद ये है कि डिले ना हो सके. इसके अलावा सेक्शन 19 है जो कि ये कहता है अगर आपने एज अ विक्टिम किसी शख्स के ऊपर जो है वो झूठी जो है वो एलिगेशन लगा दी, एक्यूजेशन लगा दी, तो फिर आपको जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है. और इम्प्रिजनमेंट तकरीबन उन्होंने 3 माह की उसके अंदर प्रिस्क्राइब की हुई, और इसके अलावा जो है आपको पनिशमेंट के तौर पर फाइन भी उन्होंने डाला हुआ है, तकरीबन 50,000 से 1,00,000 तक का जो है वो फाइन भी हो सकता है. सो ये प्रोविजंस वहाँ पे हैं. इस प्रोविजंस को देखा जाए तो ये प्रोविजंस कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है? पंजाब में हो रही है, सिंध में हो रही है, कौन सी जो है वहाँ पे ये ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है? ऐसा केस लॉ आप हमसे शेयर करना पसंद करेंगी? अफसोस के साथ जो डिले है वो हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है. इवन तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपने इस सारे जो है वो केस को रैप अप करना है विद इन 90 days, लेकिन हमारे पास एग्जांपल मौजूद है सिंध से जो कि डॉन ने जो है वो मार्च के अंदर उसकी सारी जो है वो रिकवरी उसको हाईलाइट भी किया था अपने न्यूज़पेपर के अंदर. उसके अंदर ये सारी चीज़ बताई गई थी कि इवन तो लॉ ये कहता है कि 90 days के अंदर आपने अपनी जो है वो लिटिगेशन को कम्प्लीट करना है, केस को रैप अप करना है, उसके बावजूद उस कैंडिडेट को जो है 2 years लग गए अपने जो है वो रिड्रेस लेते हुए और सूट को जो है वो रैप अप करते हुए. सो डिले इज अ प्रॉब्लम. अच्छा आजकल एक बड़ा जेरे बहस टॉपिक जो है मीडिया में जो है वो सर्विश कर रहा है, घूम रहा है सोशल मीडिया में, वो एक बहुत फेमस एक्टर है मोहसिन अब्बास, उनसे रिलेट भी करता है कुछ. पीछे अगर चाहें हम कबल टाइम पहले तो मीशा शफी के ऊपर भी एलिगेशन लगे थे, मीशा शफी ने भी जो है वो अली जफर जो सिंगर है उस पर एलिगेशन लगाए थे. इस तरह करते करते काफ़ी हमारे इंडस्ट्री में लोगों ने जो है वो एक दूसरे पर जो एलिगेशन लगाए हैं और हरासमेंट के दावे किए हैं, तो इस पर भी बात करेंगे कि हमारी जो साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं इनकी एनालॉजी क्या है इन केसेस के बारे में, इन विक्टिम्स के ऊपर.
देखिए इस तरह के केसेस सिर्फ यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो रहे बल्कि कराची के अंदर भी इस तरह जो है वो केस रिपोर्ट हुआ था. द ओनली डिफरेंस बीइंग कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, वहाँ पर नॉन सेलिब्रिटीज ने एलिगेशंस लगाए. तो उन्होंने सिंध एक्ट 2000 के तहत जो है उसको सेटल किया. बट सिंध और पंजाब के एक्ट का वाहिदुल वाहिद डिफरेंस ये है कि वहाँ पर पीनल पनिशमेंट दी जाती है, यानी वहाँ पर डिफेंडेंट जो है उसको जो है इम्प्रिजनमेंट भी दी गई, वहाँ पर फाइन भी दिया गया. जबकि हमारी जो यहाँ पर एक्ट की सिचुएशन है उसके अंदर आप किसी को जो है वो इम्प्रिजनमेंट की तरफ नहीं लेकर जा सकते. आप जो है उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर ले सकते हैं, उनके खिलाफ मॉनिटरी ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन एज सच वो कोई चीज़ नहीं हो सकती जो कि सिंध में अवेलेबल है. फर्स्ट ऐसा केस जो है वो सिंध से रिपोर्ट किया गया जिसमें इसको जो है वो एक कन्फाइनमेंट के साथ जो है सेटल किया गया. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारे पास हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि वुमेन्स को जो एम्पावर करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उनको पुश कर रहा है कि आप जो है वो इस तरफ हमारे पास आए, हमें अप्रोच करें? जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो वुमेन्स के ऊपर जो है हेल्पलाइन निकाल दी, वुमेन्स को जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है प्लेटफॉर्म दी हैं, तो वो क्या सूटेबल है वुमेन्स के लिए? उनकी जो प्रिस्क्राइब जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन वहाँ से मिल जाए? देखिए इट रियली डिपेंड्स कि आप खुद जो है कितने कॉन्फिडेंट हैं इस तरह की जो है कमिटीज या ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जाने के लिए. औरत फाउंडेशन भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है. औरत फाउंडेशन ने 2016 एक्ट की काफ़ी पैम्फलेट्स के फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है, तो वहाँ से भी रहनुमाई ली जा सकती है. और इन्फॉर्म्ड लोगों को आई थिंक इन्फॉर्म्ड ही डिसीजन लेने चाहिए और उनका फर्स्ट रिकोर्स जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ होना चाहिए. अगर इतने नंबर लोग जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ नहीं जाएंगे तो जो बाकी लोग हैं उनके लिए आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आपको सिस्टम पर यकीन नहीं है. अगर सिस्टम पर बेयकीनी है तो इसका मतलब है कि बाकी सारे लोग भी जो है वो आपके ही फुटस्टेप्स में जाएंगे. अगर सेलिब्रिटीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से शेयर करें और लीगल रिड्रेस की तरफ नहीं जाएंगे तो बाकी जो आम सिटीजन भी है उनके लिए एक बेहतर इनक्रेडिबल मिसाल को जो है कायम करना मुश्किल हो जाएगा. रिसेंटली मोहसिन अब्बास और जो है वो फातिमा सुहेल का जो केस है वो काफ़ी हाईलाइटेड था, काफ़ी वायरल हुआ. लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस भी फॉर्म की, डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स भी उसके ऊपर की गई. और जो है ये भी बताया जा रहा है कि मंडे के अंदर मंडे वाले दिन जो है उन्होंने जाके एसपी साहब के पास अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह को भी रिकॉर्ड किया है. और उसमें दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने केस के ऊपर जो है वो बातचीत कर रही हैं. जो मिस हैं वो अपने पार्ट पर ये बात कह रही हैं कि इन्होंने जो है मेरे साथ तशद्दुद किया है एंड माई हस्बैंड हैज़ बीन अब्यूसिव फ्रॉम डे वन ऑफ मैरिज, या आप ये कह सकते हैं आगाज़ मैरिज से जो है वो अब्यूसिव काफ़ी रह चुके हैं. ऑन दी अदर हैंड जो है वो हस्बैंड ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है. दोनों के दोनों जो हैं वो ओथ टेकिंग के लिए भी रजामंद है. आई थिंक इन सारी एलिगेशन से बेहतर ये होता कि अगर वो इसको एक लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपनी सारी जो इशू है उसको लेकर जाते और उसमें ज़्यादातर जो है वो रोल होगा उनकी मेडिकल एविडेंस का कि फीमेल जो है वो अपनी मेडिकल एविडेंस को लेकर आए. क्योंकि जो सिंध में भी केस सेटल हुआ था उसकी सक्सेस में फीमेल के पार्ट पर जो फैमिली थी उनकी सपोर्ट और जो मेडिकल एविडेंस है उसकी बेस के ऊपर कोर्ट ने जो है वो सारी सेटलमेंट की थी. लेकिन इन पार्टीज़ का मसला ये है कि ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहती. मिस सुहेल ने ऑलरेडी ये कह दिया कि मैं रिकन्सिलिएशन में नहीं जाऊंगी. उस ऑब्वियसली अगर वो रिकन्सिलिएशन में नहीं जाना चाहती इसका मतलब है उस घर में भी नहीं रहना चाहती. तो जो उनके पास रेमेडीज अंडर 2016 एक्ट अवेलेबल हैं वो तो लिमिटेड हैं उनके लिहाज से, क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले सकती हैं कि इन्हें कहें कि मेरे घर ना आया करें, मुझसे दूर आया करें, मेरे वर्क प्लेस में ना जाए, इस तरह की वो चीज़ें ले सकती हैं. या वो ये कहे कि इंटरिम ऑर्डर उनके पास अवेलेबल है, या फिर वो ये कह सकती हैं कि भाई मुझे कोई मॉनिटरी रिलीफ जो है वो दिया जाए जिसमें वो ये कह सकती हैं कि अगर बच्चे हैं बच्चों का खर्चा ये दे, अगर कोई शेल्टर इसको देना मेरे तरफ बनता था उसका कोई खर्चा दे. तो इस तरह की जो रिलीफ्स हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं. लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि इसकी बेस के ऊपर मैं उन्हें जो है कोई इम्प्रिजनमेंट करा दूँ या उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दूँ, तो ऐसी प्रोविजन जो है वो 2016 एक्ट के अंदर मौजूद नहीं है. ये उनके पास ज़रूर मौजूद होती अगर वो सिंध की ज्यूरिसडिक्शन से जो है अपने मैटर को प्लीट कर रही होती. सो आई होप दिस ऑफर्स देम सम सॉल्यूशन. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि औरत के मसाइल बहुत हैं और मसाइलों का सोल्यूशन भी है. अब हम अपने प्रोग्राम पे इख्तिताम में चलते हैं. उससे पहले हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें टाइम अपना दिया और अपने कीमती टाइम में से हमें इतनी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इससे बेनिफिट ले सकते हैं. बेनिफिट इस तरह ले सकते हैं कि जो भी औरत मौजूद है मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में या इंटरनेशनल में कोई व्यू करता है,
तो आपको बेसिक राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स पर आके अपने फॉरन अडॉप्ट करें, ना कि सोशल मीडिया पे एक जो ट्रेंड सेट हो गया है सेलिब्रिटीज के जो फॉलो कर रहे हैं कि पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, उसकी बजाय अगर आप लीगली आकर अपने आप को प्रिस्क्राइब करें और अपने आप को जो है वो जस्टिफाई कर सकें तो वो बेटर फॉरम है। और उसमें आपको इंशाल्लाह गवर्नमेंट और हमारे जुडिशियल काउंसिल की तरफ से आपको जो है वो जरूर रहनुमाई मिलेगी और आपको सोल्यूशन मिलेगा। नाज़रीन, अपने होस्ट अपने दोस्त हारिस शहजाद को इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।